नमस्कार दोस्तों, ये यादव प्लम्बर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जानेंगे कि ड्रेनेज पाइप का पाइपलाइन कैसे डालते हैं जो कि आरसीसी का। तो वीडियो आप पूरा देखिए, प्रॉपर तरीका A to Z आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी, और प्रॉपर तरीका से कैसे करते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो आप पूरा देखिए। और देखिए, अभी अपना जो कि अक्सर जो अपना सीमेंटेड पाइप आता है वो 6 इंची 1 फीट और उसके ऊपर भी आता है। तो अपने को 1 फीट आता है, 6 इंची 1 फीट 1.5 फीट 2 फीट, तो मिनिमम इतना पाइप अपने को ड्रेनेज में डाला जाता है। और बड़ा जो गटर लाइन होता है तो उसमें 3 फीट का भी पाइप डाला जाता है, तो उसमें का अलग डालते हैं। और अक्सर जो यूज होता है उसमें ए जो भी आपको फिटिंग साइज बताया इसके माप से आप पाइप पड़ता है, जो कि 4 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल बिल्डिंग के लिए 6 इंची 1 फीट 1.5 फीट मिनिमम पाइप पड़ता है। तो अभी जेसीबी से गड्ढा हो रहा है और कितना अपने को लेवल पहले कैसे उठाना चाहिए वो भी आपको प्रॉपर तरीका से बताएंगे। तो अभी वीडियो में आप पूरा देखिए। तो कभी भी अगर आप पाइपलाइन डाल रहे हैं, अगर गटर लाइन आपका मेन जो सीवर लाइन है ना, अगर आपको 100-200 फीट लंबा आपको पाइपलाइन ले जाना है, तो जो गटर लाइन का मेन जो पाइप है ना, वहाँ से आप एक बार लेवल उठाइए, जो कि फर्श से 3 फीट पे यहाँ मार्किंग मारिए, जो कि सलिया गाड़ के यहाँ पे, जो कि मेन चैम्बर है आपके यहाँ जिसमें अपने को छोड़ना है आपको, वहाँ से आप एक सलिया गाड़िए उसमें। और मेन जो कि मेन आपका गटर लाइन का चैम्बर है ना, वहाँ से एक सलिया गाड़ के फिर आपको एक सलिया गाड़ के उस पर 3 इंची पे लेवल उठा के नीचे से 3 इंची आप चैम्बर से 3 इंची सॉरी चैम्बर से अपना 3 फीट पे मार्किंग मारिए, जो कि खड़ू या पेंसिल से आप मार्किंग मार सकते हैं। और वहाँ से आपको जिधर ले जाना है वहाँ से लेवल उठाइए कि जो ज़मीन में कितना डिफरेंस है, और यहाँ से लेके जो अगर 200 फीट आपको आगे ले जाना है तो उसमें कितना डिफरेंस है, जो कि ज़मीन ऊपर नीचे है, तो आपको पता चलेगा कितना हमारा पाइपलाइन नीचे जाने वाला है। तो उसके हिसाब से आप गड्ढा करा सकते हैं। सिंपल तरीका है, मात्र आपको अगर कोई भी काम आसानी तरीक़ा से कराना हो तो एक बार लेवल निकाल के फिर अपना काम कराएंगे तो प्रॉपर तरीक़ा से काम होगा। तो अभी देखिए, सब लेवल सब निकाल दिए हैं और जेसीबी भी चल रहा है, जो कि जेसीबी भी आगे चल रहा है, और इधर अपने को होल मार के फिर अपने को पाइपलाइन डालना है। और ये पाइप अपने को 72 पाइप है, जो कि 6.5 फुट का आरसीसी पाइप है। एक जो पाइप का लंबाई चौड़ाई है ना, वो ये अपना 1.5 फुट का है, अभी आप पाइप देख सकते हैं। और पाइप को अभी इसको अभी आगे वाला अपना गड्ढा भी हो गया, तो अभी यहाँ पे जेसीबी में फंसाते हैं और जेसीबी ले जाएगा आगे, जो कि पाइप अंदर डालने के लिए। अभी इतना सारा पाइप है, और भी पाइप है जो कि पार्ट 2 में दिखाएंगे। और अभी रोड का काम चालू करके फिर अपने को जल्दी बंद करना है, क्योंकि आदमी लोग इसके चलते। तो अभी अपना इतना पाइप एंड डाल के फिर अपने को आगे काम करना है। तो देखिए क्या होता है ना, अगर आप सीवर लाइन आरसीसी का पाइप लाइन डालते हैं तो ये लाइफ टाइम इसका ज़्यादा होता है, बस अपने को पाइप फूटना नहीं चाहिए। और कभी भी अगर पाइप आप डाल रहे हैं तो पाइप अगर ज़मीन में अंदर चला गया तो उसके बाजू तरफ आपको मिट्टी डालना चाहिए। अगर मिट्टी डाल देंगे उधर, मिट्टी या खड़ी, आप मिट्टी भी डाल सकते हैं और छोटा जो बारीक खड़ी होता है ना वो भी डाल सकते हैं, और ऊपर से मिट्टी डाल सकते हैं। लेकिन कभी भी अगर आप पाइप डाल दें, पीवीसी का हो या आरसीसी का हो, कोई भी पाइप हो, लेकिन आपको बाजू में कभी भी पत्थर नहीं डालने का है। तो ये बात कभी भी अगर आप ध्यान रखिए कि पाइपलाइन डालने के बाजू में आप कभी भी आपको पत्थर नहीं डालना है। तो ये बात कभी भी ध्यान रखिए कि बाजू में अपने को पत्थर नहीं डालना है,
और जो भी डालना है मिट्टी ही डालना है, उसके बाजू में पत्थर नहीं डालना है। तो अभी अपना जो भी था और इधर का पाइप लाइन डाल दिए, जो कि रोड का अभी तुरंत पाइप डाल के अपने को इसके ऊपर मिट्टी भी डालना है, तो इसके लिए फटाफट काम हुआ है। और आगे का अभी ये पाइप लाइन है जो कि आगे सब पाइप लाइन है, और उसका पार्ट टू में आएगा, जो कि इधर कंक्रीट था और आगे मिट्टी है। मिट्टी में और कंक्रीट में कैसे पाइप डालते हैं तो उधर का भी बताएंगे आपको, तो उसमें लेवल कैसे उठाते हैं। अभी एक्चुअली क्या है ना, अभी देखिए जो अपना मेन चैम्बर है वो से अपना जो पाइपलाइन डाला है, जो अपना पाइपलाइन डाले हैं जो मेन से अपने को 6 इंची ऊपर डाला गया है पाइप, जो कि कभी भी अगर ओवरफ्लो होगा, अगर पानी ज़्यादा होगा तो अपने पाइप में आने के लिए कम से कम 6 इंची पाइप भरेगा तभी आएगा। तो ये बात कभी भी ध्यान रखिए, जो मेन चैम्बर है वहाँ से अपने को 6 इंची कम से कम जगह ऊपर अपना पाइप, मेन पाइप अपना डालना चाहिए। तो ये बात कभी भी आप ध्यान रखिए, जो कि आपका मेन गटर लाइन है ना, उससे अपने को 6 इंची ऊपर अपना पाइपलाइन डालना है। तो कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम हो मेन लाइन को, तो अपना लाइन कभी भी रिटर्न ना जाए पानी, इसके लिए कभी भी ध्यान रखिए। और इस पाइपलाइन को कैसे पैक करते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। अभी लड़का पैक कर रहे हैं, तो हल्का सीमेंट और रेती मिला के आप इसको पैक कर सकते हैं। क्या अगर डायरेक्ट आप सीमेंट से पैक करेंगे तो बाद में वो क्रेक हो जाता है, क्योंकि पानी इसके अंदर नहीं पड़ पाता है। तो हल्का मसाला और सीमेंट, डस्ट और सीमेंट मिला के आप डाल सकते हैं। और उसके ऊपर से भी कुछ प्रोसेस है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो अभी देखिए अंदर और बाहर और नीचे, देखिए ऊपर तो कभी लीकेज आपका पानी नहीं होगा, जो भी होगा जो आपका नीचे जो पाइपलाइन है ना, जो जॉइंट का नीचे है ना, उधर से आपका पाइपलाइन लीकेज होता है। जो आपका पाइपलाइन है वो नीचे से ही लीकेज होता है, ऊपर से लीकेज नहीं होता है। अब देखिए कभी भी ध्यान रखिए कि नीचे जो पाइपलाइन है उसको अच्छा तरीका से पैक कीजिए। नीचे हल्का क्या हो, 2-3 इंची हल्का गैप चाहिए मसाला लगाने के लिए। और जो लेवल आप मिलाते हैं ना, वो अभी आप देख सकते हैं पत्थर लगा है दोनों तरफ, तो ये पत्थर या मिट्टी रख के उसका लेवल मिला सकते हैं। जैसा आपके इलाके में है, मिट्टी है तो मिट्टी, या पत्थर है तो पत्थर रख के लेवल मिला के आप उसको पैक कर सकते हैं। क्या होता है, अंदर ऊपर और नीचे अच्छा से मसाला अगर पैकिंग होगा ना, तो आपका लीकेज नहीं होगा। और मसाला लगाने के बाद हल्का उस पर सूखा सीमेंट चारों तरफ लगा दीजिए, उससे क्या होगा ना, तो आपका तुरंत फिनिशिंग हो जाएगा और लीकेज का भी डर नहीं रहेगा। हल्का सीमेंट लग जाता, तो हल्का मसाला अंदर ही दाब दाब के लगाइए, क्योंकि मसाला उसके अंदर जाएगा तो आपका प्रॉपर तरीका से आपका पैकिंग ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ये बात कभी भी ध्यान रखिए, अगर आपको कभी भी सीवर लाइन का काम कर रहे हैं तो ये बात कभी भी ध्यान रखिए आप। और इसको लेवल कैसे मिलाते हैं, देखिए अगर कभी भी आपका लंबा सीवर लाइन है ना, तो उसको लेवल पहले तो आप ट्यूब स्पीड लेवल में आप उसको लेवल दे सकते हैं, जो कि स्पीड लेवल भी आगे रखा गया है, जो कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप दोनों तरफ से इधर और सामने, अभी सामने आप देख सकते हैं एक आदमी उधर लेवल